हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाटी की बहुत ही सिंपल रेसिपी लाए हैं जो इतनी आसानी से बनेगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो ये बाटी ना मैंने आग पे बनाई है, ना ओवन में बनाई है, ना कुकर में, ना कढ़ाई में। इसको मैंने एक दूसरी चीज़ में बनाया है, जिस देखिए कितना अच्छा बना है। अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से एकदम क्रिस्पी बना है ये। तो इसको बनाने के लिए पहले हम आटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, ये 500 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा आटा है। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक, तो नमक हम आधा चम्मच डालेंगे। उसके बाद डालेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल, तो ये मेरा मूंगफली ऑयल है। आप सरसों का तेल इसमें मत डालिएगा, मोयन के लिए हमें ऐसे ही ऑयल यूज़ करनी चाहिए जैसे मूंगफली का हो या सोयाबीन का हो। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी बाटी अच्छी बने इसके लिए हमें इसका आटा बिल्कुल सख्त गूंथना होगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है, क्योंकि आटा अगर मुलायम हो गया तो हमारी बट्टी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये इसको हम देखिए धीरे धीरे पानी डाल के गूंथेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैं जिस तरह से बट्टी बनाऊंगी वो आपकी 10 से 12 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। और इतना आसान है इसको बनाना कि मुझे जब भी मन करता है मैं फटाफट ऐसे ही बनाती हूँ, और बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो अब इस देखिए मेरा आटा थोड़ा सा रेडी हो गया है। तो अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी, उसके बाद फिर से हम मैश करेंगे इसको, और अच्छे से मैश करेंगे। हो सके तो थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा आटे पर। और फिर देखिए यहाँ भी मेरा आटा एकदम रेडी हो गया है। तो मैंने इसको और मसल लिया था बाद में। अब हम इसकी बट्टी बनाएँगे, तो बट्टी हम छोटी छोटी बनाएँगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएँगे। आप चाहें तो इसमें सत्तू भर सकते हैं, नहीं तो सिंपल भी बना सकते हैं। तो अभी मैं सिंपल बना रही हूँ। तो इसको देखिए ऐसे करके ऊपर निकाल लेना है और गोल बना लेना है। तो अब हम ऐसे करके अपनी सारी बट्टी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक रेडी हो गया है, और ये बनाना बहुत ही आसान है, ये तो सबको ही आ जाएगा। और जो बट्टी बन के तैयार होगी ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी क्रिस्पी बनेगी ऊपर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो ऐसे ही करके देखिए मेरी बट्टियाँ सब तैयार हो गई हैं। तो मैंने 12 बट्टी एक बार बनाई है, क्योंकि जिसमें मैं बनाऊंगी उसमें 12 बट्टियाँ तैयार होती हैं। तो यहाँ पर 2 मैंने बड़ी बना ली है कि ये दिखाने के लिए उसमें थोड़ी बड़ी भी बन सकती है। तो अब हम रखेंगे गैस पर अप्पे। तो अप्पे तो ख़ास तौर पर हर घर में होता है, तो इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और आपका अप्पे का साइज़ जितना बड़ा हो उतनी बड़ी आप बट्टी बना सकते हैं। तो देखिए मेरी छोटी साइज़ है तो मैं छोटी बनाती हूँ, तो ये आसानी से चारों तरफ से एकदम अच्छे से पक जाती है। लेकिन आप बड़ी भी बनाएंगे ना तो अगल बगल बस पलटते रहिए, वो भी बहुत अच्छी बनेगी। तो अभी मैं इसमें अपनी सारी बट्टियाँ डाल दूँगी। तो अगर जो चूल्हे पर ओवन रख के बनाने वाली आता है, तो अगर इस चूल्हे पे आप रखेंगे तो आपका चूल्हा फट सकता है। तो इसीलिए अब मैं क्या करती हूँ कि इसी पे बनाती हूँ। वो ओवन सिर्फ स्टील के चूल्हे पे ही पड़ता है, इस पे नहीं आप रख सकते। तो ये तरीका बहुत ही आसान है बनाने का, तो और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि आप खाएँगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए अब सिर्फ 5 से 6 मिनट बाद हम इसको पलट लेंगे। फ्लेम हमारा पहले हम स्लो रखेंगे, फिर 3 से 4 मिनट बाद थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो हम इसको पलट के फिर ढक देंगे। अब हम आँच को थोड़ा सा मीडियम ही रखेंगे, बीच में स्लो कर सकते हैं लेकिन 1 मिनट के लिए मीडियम कर सकते हैं। तो देखिए अब ये चारों तरफ से धीरे धीरे पक चुका है, और जो मेरी बड़ी बट्टी थी वो भी बढ़िया हो गई है। तो इसको भी मैं पलट पलट के कर लूँगी, अच्छे से सीख जाए। इस तरीके से अगर किसी ने बनाई हो बाटी तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा कमेंट में कि मैंने बनाई है, तो मैं समझ जाऊंगी। तो अब देखिए धीरे धीरे मैं निकाल लूँगी जो हो चुका है। तो एक साथ मेरी 12 बट्टियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अगर आपके अप्पे में ज़्यादा सांचे बने हो तो आप एक साथ ज़्यादा बट्टी बना सकते हैं। तो अब इन सबको मैं निकाल के जो मेरी बड़ी बट्टी है उसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी टाइम के लिए। और देखिए यहाँ पे 12 मिनट में मेरी बाटी बनके तैयार हो गई है। और चोखा मैंने कढ़ाई में बनाया है, तो कढ़ाई में कैसे चोखा बनाते हैं इसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और आसानी से
आधे घंटे के अंदर आप बाटी चोखा बनाकर खाइए, इंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, लग नहीं रहा है कि हमने इसको अप्पे में बनाया है। अंदर से सॉफ्ट बनती है, ऊपर से क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बार मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।